मॉर्निंग है बल्कि आफ्टरनून स्टार्ट हो चुका है, 12 बज रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त सा गर्मी का मौसम है। बैंकॉक की सड़कों पे किस तरीके से दिन गुजरता है, रात तो यहाँ की खासी रंगीन है लेकिन दिन कितना ज़्यादा हलचल भरा है ये भी दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अमूमन दुकानों के खुलने का जो टाइम है वो तकरीबन 10 बजे से खुलना शुरू हो जाता है और तकरीबन 11-12 बजे तक बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो आपके लिए ऑपरेटिव हो जाती हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं, जो एक तो यहाँ के मकामी जिनको ऑफिसेस भी जाना है, जो जॉब प्रेफर करते हैं, और एक वो लोग हैं जो बैंकॉक की रात की रंगीनियों में कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो भी लोकल्स हैं लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रात को होता है, जहाँ जिससे बेहतरीन सी मॉर्निंग में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो जो रात का सीन है उसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कुछ स्काई ट्रेन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्काई ट्रेन ऑपरेट होती है यहाँ पे और क्या सूरत हाल होती है, तो वो देखते हैं। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, साथ चलते हैं, देखते हैं कहाँ से टिकट लेना है, कैसे लेना है और कितना स्मूथ उसकी जो मूवमेंट है, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वीडियो में। साथ रहिए, थैंक यू जी। तो जनाब ये है बैंकॉक का BTS सिस्टम का चार्ट और इस चार्ट में आप देख सकते हैं बहुत इजी सिस्टम है। आपका स्टेशन जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होता है, जिस तरीके से हम इस वक्त 16 पे खड़े हैं नाना पे, और जहाँ आपने जाना है, जिस तरीके से मुझे जाना है अशोक, या आपको टेंगलू जाना है, या आपको फार्म जाना है, फॉर्मो जाना है, तो अशोक से यहाँ तक के लिए आपको 23 कॉइन्स अंदर डालने हैं, 23 रुपीज़ इज़ द फेयर। तो उतने कॉइन्स इस मशीन में आप डालेंगे, इस तरीके से आप देखें कॉइन्स डालेंगे 23, आपको वो काउंट करके बताता रहेगा साथ साथ कि कितने कॉइन्स आपने डाल दिए हैं, और जैसे ही कॉइन्स पूरे हो जाएंगे तो आपका टिकट जो है वो बाहर आ जाएगा, ये इस तरह जी जनाब। तो फिर इस तरीके से आपको इसमें कार्ड स्कैन करना है, गेट खुल जाएगा और आप इधर से निकल जाएंगे। अब फिर आपको वेट करना होगा प्लेटफॉर्म के लिए, तो इस तरीके से ये बोर्ड्स लगे हुए हैं डायरेक्शंस के लिए, आप प्लेटफॉर्म पे जाएं और अपनी बस का वेट करें। जी तो जनाब ये है बैंकॉक की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, 400 बाहत का टिकट है, ऊपर जाएं आप एक ड्रिंक एंजॉय करें और 400 बाहत पूरे।
और बैंकॉक की रात की रंगीनियां अपने उरूज पर हैं। बैंकॉक का नाइट सीन बहुत ही क्रेजी है। अगर आप आए यहाँ पे तो आपको स्ट्रीट पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ रात हो रही है। हर कोई आपको बड़ा वेल ड्रेस और बड़ा एक्टिव और बड़ा एनर्जेटिक से लगेगा। बैंकॉक आएँ, और अगर आप मसाज ना करवाएं, अगर आप बैंकॉक आए और आपने मसाज ना कराया तो आपके लिए पता है क्या है, दुत लानत। तो ये दुत लानत से बचने के लिए आपको सबसे पहले बैंकॉक आते ही आपने मसाज करवाने के लिए जाना है। मसाज नहीं मसाज, ये गलती से निकला है, इसको पकड़े नहीं, समझें, मसाज करवाएं। मैं भी यहाँ मसाज करवाने के लिए आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए कहाँ इशारा हो रहा है, अंदर। अंदर क्या है और वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। मसाज बेहतरीन किया जाता है यहाँ पे, बड़ा दिल से मसाज करते हैं। तकरीबन 300-400 बात में आपको फुल बॉडी ऑयल मसाज मिल जाता है। आपके ऊपर है चॉइस कि आप कौन सा मसाज चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोकोनट ऑयल के साथ आपको मसाज किया जाए या थाई ट्रेडिशनल मसाज किया जाए, लेकिन मसाज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड। कुछ तो कहानी है जो पूरी दुनिया में ये फेमस है। तो ज़रूर आएँ, मसाज करवाएँ। मैंने चॉइस किया था दी ग्रेस कैफ़े, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूँगा। और इसका यहाँ पे मैंने पे किया है तकरीबन 400 बात फुल बॉडी मसाज का, कोकोनट ऑयल से मैंने इसको सेलेक्ट किया था। बहुत मज़ा आया, बहुत रिफ्रेशिंग, पूरी फ्लाइट की जितनी थकन थी आप यकीन कीजिए कि वो निकल गई। तो ज़रूर आएँ, मसाज करवाएँ, और बड़ा ट्रेडिशनल मसाज है। मसाज से पहले ये लोग आपके पैर धोते हैं, मसाज शुरू करने से पहले वो एक बड़ा आपको एनर्जेटिक और बड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। उसके बाद फुल बॉडी मसाज होता है, और मसाज को मसाज समझ के करवाएं तो आपको उसका ज़्यादा प्लेजर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़रूर आएँ और स्टे कनेक्टेड। आपको मज़ीद वीडियोस में बैंकॉक के बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। फ्लेवर, मज़ा, मस्ती, फन सब, और इसके आगे आने वाली वीडियो में तो जुड़े रहिए, देखिए मेरे साथ बैंकॉक का सीन। Don't want to mislead, this is all you need, be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real, more than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause I'm at least a time. Bangkok ka jo street food hai wo bahut hi zabardast hai, uske